एनएक्स टीवी, मैं हूं निशा। बात करेंगे बड़ी खबर में, कौन सी खबर रही सुर्खियों में। मुख्यमंत्री ने हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आज जारी कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में प्रावरणीय सूची में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के साथ साथ सभी सफल विद्यार्थियों को शुभकामनाएं एवं बधाई दी। धमतरी जिला में 34 पुलिस कर्मियों का हुआ तबादला, एसपी ने जारी किया आदेश। धमतरी जिला के 5 निरीक्षक, 4 उप निरीक्षक और 25 प्रधान आरक्षकों का तबादला कर दिया गया। यह आदेश पुलिस अधीक्षक बीपी राजभानु ने जारी किया है। रायपुर में 3 सैलून संचालक पाए गए कोरोना पॉजिटिव, मचा हडकंप। राजधानी रायपुर के अभनपुर में 3 सैलून संचालक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तीनों सैलून संचालकों के कोरोना संक्रमित होने की खबर से समूचे इलाके में हडकंप मच गया है। तीनों पॉजिटिव में से 2 अभनपुर से लगे ग्राम नायक बांधा के हैं और 1 अभनपुर का ही रहने वाला है। तीनों की अभनपुर में अलग अलग सैलून दुकानें हैं। पुरानी बस्ती टीआई हुए क्वारंटाइन, परिजन के संक्रमित होने पर थाने में मचा हडकंप। 24 घंटे में करीब 15,000 नए केस, कुल मरीजों का आंकड़ा 4,00,000 के पार। देश में कोरोना के मामले 4,40,000 को पार कर गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार सुबह जारी अपडेट के मुताबिक देश में कोरोना मरीजों की संख्या 4,40,215 हो गई है। इसमें 14,011 लोगों की मौत हो चुकी है। 2,48,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केस 1,78,014 है। बीजेपी सांसद की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती। भोपाल से भारतीय जनता पार्टी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की तबीयत आज अचानक बिगड़ गई। वह भोपाल स्थित बीजेपी कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर प्रदर्शनी के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी। कोरोना की मिल गई दवाई, बाबा रामदेव का दावा। कोरोना से 69% मरीज केवल 3 दिन में हो गए निगेटिव। योग गुरु बाबा रामदेव आज कोविड-19 के इलाज के लिए दिव्य कोरोनिल टैबलेट को लॉन्च कर दिया। कोरोना की पहली आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल के लॉन्चिंग के मौके पर बाबा रामदेव ने दावा किया कि इस दवा का जिन मरीजों पर क्लिनिकल ट्रायल किया गया उनमें 69% मरीज केवल 3 दिन में पॉजिटिव से निगेटिव और 7 दिन के अंदर 100% रोगी कोरोना से मुक्त हो गए। दवा का प्रयोग 280 लोगों पर किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का सरकार पर हमला, चीन मसले के पीछे केंद्र की नीतियों को ठहराया जिम्मेदार। कांग्रेस की सर्वोच्च नीति निर्धारण इकाई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक मंगलवार को हुई, जिसमें मुख्य रूप से भारत चीन गतिरोध पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चीन के साथ मौजूदा संकट के पीछे केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। साउथ अफ्रीका बोर्ड के 7 कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव, 100 से ज्यादा स्टाफ और खिलाड़ियों का टेस्ट कराया था। CAS के एक्टिंग CEO जैक्स फॉल ने कहा, हमें पता था कि टेस्टिंग में स्टाफ की रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकती है, वैसे हमने 100 लोगों का टेस्ट कराया था, इसमें से 7 ही संक्रमित पाए गए हैं, ऐसे में यह संख्या कम है। हालांकि फॉल ने यह खुलासा नहीं किया कि किसी खिलाड़ी की रिपोर्ट तो पॉजिटिव नहीं आई है। सुशांत के वीडियो शेयर करने पर पैपराजी पर भड़की दीपिका, बोली आपने उनके परिवार की लिखित सहमति ली। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करने और उनसे पैसे कमाने को लेकर दीपिका पादुकोण ने बॉलीवुड पैपराजी को फटकार लगाई है। उनका कहना है कि सुशांत के परिवार की लिखित सहमति के बगैर उन्हें किसी भी वीडियो को साझा करने और उसे मोनेटाइज करने का अधिकार नहीं है। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाले वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए।